मस्तानी सही से खेल यार, बेमानी मत करिए, अबकी बार चल दोबारा खेलेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। तोता उड़, तोता उड़, मैना उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, कबूतर उड़, कौआ उड़, कौआ उड़, कोयल उड़, कोयल उड़, चील उड़, चील उड़, बाज उड़, बाज उड़, मुर्गा उड़, मुर्गा उड़। का भैया मुर्गा कब तोड़ने लगो? अरे तेना मुर्गा उड़ते देखा अब तक? अरे तेना मुर्गा ने देखा अब तक उड़ता हुआ? हमने तो भैया कभी मुर्गा उड़ते नहीं देखो, हमेशा कटते ही देखो। अरे तो ना पता कुछ भी, मुर्गा उड़ा भी है, चल हार का तू हाथ आग कर, जल्दी कर। गाय भैया पकड़ गए रहे तुम, चल ठीक है ठीक है ठीक है, खेल 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 खेल, जल्दी कर। चल बच गया नितिन भाई, तू देख ले, आजा आजा अब मेरी बारी, जल्दी कर। नमक ले, चीनी ले, हरी मिर्च ले, देखा, और ले मठाके आलू ले, पनीर की सब्जी ले, थोड़ी सी भिंडी ले, थोड़ा सा आम चूरन ले, बर्फ गिर चूरन ले, नींबू मिला के। बच गए भैया, बच गए बच गए, बहुत मान लो तुमने हमें, अब हमारा नंबर आ जाओ तब तुम्हें बताए। आजा तेरे जैसे देखे हमने भी, आजा आ चल खेल ले। अब जाना कान लो की तुम्हारा ऊँट उड़ाता है। तो मैं देखियो तो ऊँट उड़ा रहा है यार। अरे सही बताइयो, तेने ऊँट उड़ता देखा आज तक? ना भैया। सही मैंने देखा? ना। ऊँट देखा तेने? ना भैया। फिर तो कैसे पता के ऊँट उड़ता? भैया हमने ऊँट ही नहीं देखो, किताबन में तो बहुत पढ़ा हुआ है। अरे किताबन वाले ना उड़ते हैं, जो हमने देखे वे उड़े हैं। ला हाथ कर जल्दी अब। यार हम नहीं खेल रहे तुम्हारे संग, ऊपर देती तेज मार रहे हो, कभी मुर्गा उड़ा रहे कभी ऊँट उड़ा रहे हो, हमें नहीं खेल रहे तुम्हारे संग। अरे तो जब उड़े मुर्गा और ऊँट तभी तो उड़ा रहे, और हेड दिखा रहा होगा अपने घर के, हम अपने घर जाकर खेल लेंगे। चल ठीक है, चल हाँ तो जाओ ना। चले जाओ यहाँ से, आजा दिमाग खराब करवे खेल है। यार कहा बताऊं तो, जब सुबह उधर के दावत खा के आया हूं ना, तब से पेट खराब चल रहा हो। हाँ तो जब रोज फ्री की दावतन में जाओगे, बोतल भर भर के दारू पियोगे तो कहा होएगा? पूरा तेरे बाप की पिया, पैसा खर्च होगा दारू पीने में, फ्री की ना जाती कहीं सु। एक तो सुन लो जी, हर बात में मेरे बाप पे मत जाया करो, अगर तुम्हारे बाप पे चली गई ना गैल बुरा लग जाएगा तुम्हें। नो नो मो बुरा ना लग लेको, मेरे बाप से दारू पिया करो, ऊपर चला गो, एक काम कर तू भी ऊपर चली जा, तेरी कसम मजा आ जाएगा। जो करना हो करो, बस यहाँ पाद पाद के मेरे घर में सड़ा बाहर जाओ। ये तो यहीं पाद आ रहा तो यहीं से पादूंगा, और तेरे मायके जाके एक काम कर, तो दिक्कत हो रही है तू निकल यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ, जाने को ना ही ये घर में, मेरी नाक सड़ा दी, घर सड़ा दिया, अब तो रुक जाओ। रुक दो यूं तो अच्छा ठहर में रुके। चल जल्दी कर। तोता उड़, तोता उड़, मैना उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, कबूतर उड़, कौआ उड़, कौआ उड़, भैंस उड़। ए भैंस ना उड़ती है? अरे पागल है का, भैंस भी उड़े। अरे भैंस कब से उड़ने लगी? भैंस तो हमेशा से उड़ती आई है। तैने कहाँ देख ली? बाहर विदेश में। अपने गांव में तो एक भी नहीं उड़ती। अरे अपने गांव की भैंस तो बस घास फूस खा रही है ना, बाहर विदेश की एक पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक माल खा रही है वे, यही मार तो उड़ रही है वे। सही में यार? और कहा, माँ कसम, माँ कसम यार, फिर तो माल ले भाई, तंतर बहुत टॉप की बात बता दी। अब एक काम करेंगे, ऐसी भैंस लाएंगे जो उड़ती हो। ठीक है ठीक है, चल। अरे अरे कहाँ कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? नितिन भाई बताओ यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी मैं तो यहाँ बैठ के नियार काट रहा हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के टीवी देख रहा हूँ, पेट सफा हर रोग दफा। इन दांतों में कम फाड़े करो, वहाँ अपने बापे भी देख लो। बापे क्यों देखे हम? बापे तुम देखो, हम तो अपनी बहुएं नहीं देखेंगे। तो चली जाओ मैं घर छोड़ के। हाँ हाँ चली जाओ चली जाओ, बस जब जाओ तो बता दीजो। सही रहेगा, हम अपनी सेटिंग बुला लेंगे। कहाँ कह रहा यूनू कह रहा मम्मी, कि हम अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए।
तो अपनी मम्मी की बात मान के अपने बाप पे डॉक्टर के दिखा लाओ, पूरे घर में बदबू कर रखी है वाने। तो जब ही तो हम बाहर बैठे हैं, पर कोई बात नहीं, मम्मी दिखा लाएंगे। चल भाई जल्दी चल। भाई काम कर, पापा तू ले जा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। क्यों, तू कौन जा रहा हो? कल ड्राइंग का पेपर है ना, तो वाटर कलर लेने जा रहा हूँ। उरा यार, कल तो ड्राइंग का पेपर है, एक ही तो पेपर है जहां हम दोनों पास हो गए। बहुत अच्छा करा तेरे, मैंने ना भैंस बनानी सीख रखी है, तू काला कलर और दो कूची मेरी भी लेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, पापा तू दिखा कर, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है चल, आ जा मम्मी, मैं देखूं पापा। अरे कहाँ होगा पापा जी? अरे तू भी आ गया अब? अरे मैं तो आ गया, तुम नु बताओ तुमने ऐसे धुआं कैसे उठा रखे, मम्मी परेशान कर दी तुमने। अरे तेरा बाप तो पैदा ही धुआं उठाने को यार। चलो ज्यादा धुआं मत उठाओ, मेरे घर चलो, डॉक्टर चल रहे हैं। अरे कहाँ करेगा डॉक्टर के जाके? डॉक्टर के चल रहे हो, तुम्हें दवाई दे देगा। अरे दवाई तो दे देगा, पात थोड़ी रोक देगा। अरे डॉक्टर पेट ठीक करने की दवाई देगा, पेट ठीक हो जाएगा पात बंद हो जाएगा। कहा करोगे डॉक्टर धोरे जाके, पैसा नहीं तो बर्बाद करोगे। यासु बढ़िया तो दो पौच पौच वाले आलू भुजिया के पैकेट और एक सेट हो जाएगा मामला अपने आप ही। अब भी शर्म ना आ रही होगी? अरे यार तू पहले अपनी मम्मी समझा, यार बहुत शर्म आवे। अरे चलो तुम डॉक्टर के चलो, वहां बताइए अपनी कहा दिक्कत है, वो ठीक कर देगा, आ जाओ। अरे यार मन ना होता, चलो आ जाओ। आ जाओ पापा जल्दी आओ। अरे यार कहाँ ले जा रहा हो तू? अरे तो मैं डॉक्टर के दिखा के लेके आऊँ। बस कर दो पैसा सारे बर्बाद। अरे पापा जब मम्मी इतना लड़ रही है तो कर लो ना, क्यों घर में कलेश करवा रहे हो? तेरी मम्मी तो रोज ही लड़े हैं बोतू। अरे यार तो कहा होगा, 150 रुपया खर्च भी हो जाएंगे तो। चलो भैया कर लो उड़ा लो, कहाँ दिक्कत है? टेंशन मत ले करो तुम, तुम्हारे लौंडा बड़े हो गए, दूध बेच बेच के ना ढेर लगा देंगे पैसा उनको। मतलब कदा भी मैं हूं तार गल, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ पापा, आ जाओ, आराम से आराम से आ जाओ, बैठो आराम से, बैठियो बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ बिल्कुल बैठ जाओ आराम से। अरे और कितना आराम से बैठूं, पेट में बाला थोड़ी ना है, पेट तो खराब है मेरा, मारो बुद्धि पापी। डॉक्टर साहब आगे हैं। नमस्ते। नमस्ते। हेलो सर। मेरा सर को कहते हैं स्कूल पढ़ाया करो हमें। अरे मतलब क्या हुआ अंकल जी? अंकल अरे अभी तो मेरी खेलना कूदने की उम्र चालू हुई है। अरे भाई साहब हुआ क्या आपको? मेरा पेट खराब चल रहा है कई दिनों से। क्या दिक्कत आ रही है पेट में? और कहाँ दिक्कत होगी, बस पेट खराब है। अरे मेरा मतलब लैट्रिन कैसी आ रही है? बुरा यार तू कहाँ आया, लैट्रिन पूछ रहा हूँ, सुबह आज ही दिखा दूंगा। अरे भाई साहब डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा ना। चल ठीक है तो सुन ले, कल तो ऐसी आ रही है दो तरह तो पचपती ना, आज इतनी पतली आ रही है तू घूटा चुपी ले। कैसे बदतमीज आदमी है, बोलने की तमीज नहीं है इनको। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात ना, पापा ना ऐसी मजाक करने क्या जाता है, मैं समझा लूंगा, कोई बात ना। सॉरी डॉक्टर साहब सॉरी। आप मेरे को एक काम करना, इनका सैंपल दे देना, मैं टेस्ट करवा दूंगा। टेस्ट करवा दोगे? ना ना टेस्ट कराने की जरूरत ना, बहुत बुरी बात हुआ, तुम्हारी जीभ खट्टी हो जाएगी वहां से। अरे मैं इनकी लैब टेस्ट करने की बात कर रहा हूँ, बदतमीजी बदतमीजी करी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई बात ना, तुम चेकअप कर लो। मैं नहीं कर रहा इनके चेकअप, ले जाओ इनको यहाँ से। अरे डॉक्टर साहब ये बहुत पाद रहे घर पे। अरे पाद नहीं दो, ले जाओ इनको यहाँ से। डॉक्टर साहब देख लो प्लीज, एड दिखा रहा हूँ, दो साढ़े दिन रुक जा, तू तेरा हॉस्पिटल खरीद दूंगा समझ गा। चलो हम भी मूड ही खराब करते रहो, जहाँ जाओ। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा आ गए तुम इतनी जल्दी, और क्या करते वहाँ, ये कहीं रुकन दे मैं। दवाई मिल गई है ना? अरे दवाई तो जब मिलेगी मम्मी, जब ये दवाई लेने वाले काम करेंगे, ये उल्टी वाला दवाई दिया। कहा कर दिया तुमने, वो बता कहा करा? हम गए डॉक्टर दौरे, डॉक्टर ने पूछे भाई साहब कैसी लैटरिन हो रही है तुम्हें, तो पापा जी वासुनु कहने लगे कि कल तो इतनी टाइट हो रही कि तेरे चबाने से चबने की है, और आज इतनी पतली हो रही है कि तू घूटन सू पी ले, वगैरह जी खराब होगा। अब तुम बताओ लैटरिन कोई पीने की चीज है? वन भगा दिया हम। यू बुड्ढा कैसे बात करने लायक ना है बेटा, तेरे बाप की ना पेट की गैल के बुद्धि भी खराब हो गई है, या हॉस्पिटल ना पागल खाने लेके जाओ या। अरे तू ज्यादा ना बोल रही, एक कोने में बैठा दूंगा तो यहां मौसम सब फालतू बोलने की जरूरत ना है। हेलो इधर को, और तू सब बता दे कर या।
यार हम क्यों दे दें अपने कलर, हमारे पेपर ना के ड्राइंग का हम ना बनाएंगे का पेपर में डोरेमोन। अरे यार तुम दोनों बस पीलर काला कलर दे दो और मत दियो कोई सा भी। अरे यार काला कलर दे सकता मो कौवा बनाना, और पीलो तो मैं कैसे ही ना दे सकता क्योंकि मो डोरेमोन पीलो बनाना, नीलो मो अच्छा ही ना लगता। अरे दे रहे दे रहे कलर नाम ना दे रहे। एक मिनट रुक जा। हाँ मृदुल, अरे बकरा और खटका कलर ना दे रहे, बस एक मिनट रुक जा फिट करके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है बस फिट करके आ रहा हूँ इन्हें। टम डाउन पे कलर ना दिए जा रहे हैं वो। वाटर कलर ना दिए जा रहे हैं वो, वाटर कलर ना दिए जा रहे। दिन में चार चार बेर कपड़ा बदले जा रहे बिना बात के। अरे तुमने कहा कर लिया मैं डॉक्टर के भेज के, मेरे पास तो अभी बंद ना हुए। डॉक्टर के जाने से कुछ ना होता, दवाई भी लेनी पड़े, लेकिन तुम्हें तो लड़ने से फुर्सत ना है। लड़ने को तो मेरे सिंगल कट रहा है, सबसे लड़ूंगा। अब जब काम में दिमाग ही ना तो लड़ना पड़ेगा भाई, और तू ज्यादा मत बोलो ना तो फिट कर दूंगा। सारा दिमाग तुम में ही तो है, तीन टाइम की दारू याद रहे, एक टाइम की दवाई ना खाई जाती तुम पे। अरे चल निकल यहां, तू कर ले कुछ काम, यहां खड़ी खड़ी कर रही है दारू बदनाम। ये सारे रोग है दारू से ठीक होवे फिर दवाई को कहां काम। ज्यादा शायरी मारने की जरूरत ना है, तुम्हें क्या लगी मैं नितिन मृदुल की तरह वाह 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 करूंगी हैं। मैं जा रही हूँ कथा में और सांझ तक ना आऊंगी यहाँ। हाँ ठीक है चली चली जा, मो भी कोई दिक्कत ना हो। मैं भी देख लूंगी कूट देगा बाप बेटा अंदर रोटी। अरे चली जा तेरे जाने में तो मैं रोटी भी सीख लूंगा, ना तो अपनी सरिता बुला लूंगा। दीदी 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 बोला कौन है बोला मंजू भाई सब दीदी हैं। बोला दीदी तो ना दीदी हाँ खड़ा हो बताओ कहाँ बात है। कौन चीजा? बोला हम जीजा। जीजा वो कैसे भाई साहब? तम नहीं तो कह दीदी, हम हो गए जीजा और तम होगी साड़ी, और साड़ी मतलब आधी घरवाली, बाकी सब ठीक ही रहे। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? अच्छा छोड़ो, मैं ये पूछ रही थी दीदी हैं घर पे? दीदी तो ना घर पे, तब मुँह बताओ ना कहाँ चाहिए। अरे भाई साहब दीदी ने ना सूट सिलवाए थे तो बोला था घर आके पैसे ले जाना, इसीलिए आई थी मैं। अच्छा पैसे लेने आइयो, कोई बात ना पैसे वैसे आते जाते रहेंगे, तब आ जाओ भीतर कुछ चाय पानी ले लो। अरे नहीं नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे आ जाओगी बाद में, अभी आई हो तो कम से कम चाय पानी तो लेकर जाओ कुछ। अरे भाई साहब मैं चाय पी कर आई हूँ, कोई बात नहीं। अरे कोई बात ना थोड़ी सी शिकंजी बनवा देंगे, आते जाओ। अरे नहीं भाई साहब कुछ नहीं चाहिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। आ जाओ कम से कम पानी तो पी लो हमारे यहाँ का, आ जाओ आ जाओ। ठीक है भाई साहब इतना जिद कर रहे हो तो आ जाओ आ जाओ। आजकल क्या काम वाम चल रहा है? ठीक ही चल रहा है भाई साहब। आना जाना कम कर रखा है आजकल? हाँ आना जाना क्या, काम ही में इतना समय बीत जाता है ना। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। बताओ कथा ना कराई तो क्या हुआ, भंडारा तो पटवाना चाहिए यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, थाली लेके गए खाली लेके आ रहे हैं। हाँ जी गेट खोलियो। अरे खून है। अरे खोल क्यों ना रहे? ये तो अच्छी बात है भाई साहब, मैं मिल लेती हूँ। ना 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 वाला मोती निकल देगी तो बहुत आबाद हो जाएगी, तू एक काम कर तू रुक और मैं मिलकर आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जा। पूरा बाबू जल्दी कैसे आ गई? कुछ ना गुरु जी ना आए आज तो कथा ना हो रही, मैं उल्टी आ गई। पूरा तो तू ही कर लेती कथा, ये बस कलेश कर रही हाथों पर भी। बकवास मत करो मासू, भीतर जान दो। चली जाइए भीतर को, तू एक काम कर मेरा पेट खराब हो रहा, थोड़ा सा पुदीना लिया। मांगन लगे ना पुदीना, चलो भीतर फ्रिज में धरा। पुदीना फ्रिज में रखा तो तू एक काम कर मोको दो नींबू लिया। अरे नींबू भी धरे फ्रिज में, देख भी लेकर आओ कुछ। पूरा सब धरा फ्रिज में, वैसा कुछ रहो तो तू एक काम कर दुख दुख खेलेंगे, तू दीवार छू के सौ की गिनती गिनकर आंख बंद करके इतनी देर में दुआ कराऊ। बोलेगा पेट की गैल दिमाग भी खराब होगा दिखे तुम्हारा, भीतर जान दो मुझे। उरा चली जा बाबू ना मेरी। अरे हट रहे ना हट रहे। उरा भीतर क्या करेगी, मैं भी बात गया हूँ, बहुत बुरी बदबू हो रही है भीतर। तो कैसे घर छोड़ दूँ मैं? अरे तुम्हारे कमरे में न जा रही, मैं अपने कमरे में जाके सोऊंगी, हटो। उरा बाबू सुन तो सही, मेरी तो सुन ला बाबू, पागल होगा बुड्ढा। उरा बाबू सुन तो सही यार। उरा बाबू बोल दे क्यों दिमाग खराब कर दिया। नमस्ते दीदी। Dinadin ta, dinadin ta, dinadin ta, dinadin ta, dinadin ta.
यहाँ क्या कर रही है? दीदी मैं तो आपसे मिलने आई थी। मौसू मिलने आई है या बुढ़े सू मिलने आई है? और मैं आपसे मजा आई क्यों? मुझे नींबू और पुदीना लेने भेज रहे तुम हैं? घर में यू प्रोग्राम बिठा रखा? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आप ही से मिलने आई थी, वो तो भाई साहब ने जबरदस्ती बैठा लिया। अच्छा तो बड़ी फिक्र हो रही है भाई साहब की है? थारी वजह से मेरा घर खराब हो रहा। दीदी ऐसी बात मत करो मुझसे, पूछो इनसे किसने बुलाया था। हाँ जी किसने बुलाई हो? मैं घर उठा के लाया अपने आप ही आई, नुकैरी दीदी का मन की दीदी आए ना तो नुकैरी के वो चाय शिकन जिकन ज्यादा कुछ तो अपने आप ही घर में आ गई। मैं का मना कर देता हूं। हे भगवान कितना झूठा आदमी है ये। ए, मेरे आदमी झूठा मत बोले, जो भी बोलना होगा मैं बोलूंगी। मेरी बाबू तब मैं तो बाद में बताऊंगी मैं, तू जाए आंसू, आज के बाद ये गली में भी मत दिख जियो। मैं यहाँ आना तो दूर की बात, इस बुड्ढे की तो शक्ल भी ना देखूं मैं। बुड्ढा कहीं का? ओए बुड्ढा तो कह रही है अभी तो स्वीट 16 कहूं मैं थांद की। हां मैं बनाऊंगी तुम्हें स्वीट 16 का पीछा कर लो तुम, मुझे पता चल गया कितने बिगड़ रहे हो तुम। नितिन भाई खटकर वगैरह न्यू सोच रहेंगे, हमें कलर ना देंगे तो कोई दिक्कत ना होगी, नूनो पता गुद्दियां लाल कर देंगे, कुछ भी देनी पड़ेगी। अरे मंजू मैडम, मैडम जी आज तक तो टॉप लग रही हो। मुझे लगा बारात में जा रही थी को। बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, पूरा खानदान ही ऐसा है। आज ये बात तो सही कही, हम तो है खानदानी। मुझे लगा पापा ने कुछ कह दी क्या। राम राम जी, कैसे मेरे सारे भाई। तो भाई अब वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि आप सबको सबसे बढ़िया डायलॉग या शायरी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे बोलने की वजह से आज अपने घर वालों परिवार के साथ बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी अंकल ने नमस्ते सेटिंग एंड आई लव यू, ठीक है जी। बाकी आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी मिलेंगे नई नई वीडियो के साथ, इस बार थोड़ा वीडियो लेट रही उसके लिए सॉरी, सब लोगों ने बहुत इंतजार करा, पर जल्दी नई नई वीडियो आती रहेंगी। देखो मौज लो और ऐसी सबको दिखाओ, आप हंसते रहो हम हंसाते रहेंगे, ठीक है जी। राम राम जी।